नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने प्रधानमंत्री मोदी के बीच हुई मुलाकात। भारत भूटान के बीच कई समझौते। पानीपत पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, बोले भारत के दिखाए रास्ते पर चलकर ही यूक्रेन रूस युद्ध विराम संभव। एक तरह का ये विश्व युद्ध। अमेरिका यूरोप की पाबंदियां बेअसर। जयशंकर बोले हमने रूस से रिकॉर्ड 5.7 करोड़ बैरल तेल खरीदा, ये भारत की कुल खरीद का 38% है। सीएम मनोहर लाल को घेरने में जुटी कांग्रेस। जज पर टिप्पणी की हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से शिकायत। अवमानना की कार्यवाही की मांग की है। आतंकी ग्रुप ने कश्मीर के आरएसएस लीडर्स को धमकी दी। रजिस्ट्रेशन फ्रंट ने 30 नेताओं की टारगेट लिस्ट जारी की, कहा खून बहाएंगे। अजीत पवार का भाजपा पर वार, बोले मोदी अपने जलवे से जीतते हैं। एनसीपी नेता ने कहा जनता ने उन्हें डिग्री देखकर नहीं चुना। केंद्र ने पश्चिम बंगाल सरकार से हिंसा पर रिपोर्ट मांगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने लिखा था लेटर। ममता बोली भाजपा के गुंडों ने हिंसा फैलाई। गुलाम नबी आजाद ने की पीएम मोदी की तारीफ, बोले मोदी ने कभी बदला नहीं लिया, पीएम राजनेता जैसा बर्ताव करते रहे। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म किए जाने के मुद्दे पर हो बहस। अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा स्पीकर को लिखी चिट्ठी। बीजेपी सोशल मीडिया टीम को जेपी नड्डा का सलाह, बोले राजनीतिक संवाद के स्तर को गिराने से बचें। विदेश यात्रा पर जा सकेंगे कार्ति चिदंबरम। दिल्ली की अदालत ने पुराने रिकॉर्ड के आधार पर दी अनुमति। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, नीलामी में शामिल 3 खदानों को हटाने की मांग की। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी उतारेगी खास सुपर 50 टीम। गुजरात के इस फॉर्मूले से पार्टी को जीत की उम्मीद। उद्धव ने फड़वड़ीस को बताया बेकार गृह मंत्री। पूर्व सीएम का पलटवार, हमारे धैर्य की परीक्षा न ली। मीडिया पर भड़के पूर्व सांसद राहुल गांधी, पूछा आप हमेशा वही क्यों कहते हैं जो भाजपा कह रही है। सीएम योगी का बड़ा बयान, बोले अत्याधुनिक संसाधनों से और लैस हो एसटीएफ व एटीएस, दो नई फील्ड इकाई बनाने का भी प्रस्ताव। लखनऊ में सीएम योगी से मिले व्यापारी, योगी ने कहा कमेटी बनाई है, किसी व्यापारी को दिक्कत ना हो। मऊ में 29 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण। पब्लिक कम्युनिटी सेंटर का मंत्री एके शर्मा ने उद्घाटन किया है, कहा प्रदेश में हो रहा है विकास। हरिहरपुर से शिफ्ट हुआ सीएम का प्रोग्राम। आजमगढ़ के कलाकार बोले यह हरिहरपुर घराने का अपमान, अमृत सरोवर पर नहीं रखी गई ईंट। ई संजीवनी के माध्यम से 55 लाख का इलाज। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने योजना के प्रचार प्रसार का दिए निर्देश।
मथुरा में फल विक्रेता को चाकू घोंपने का वीडियो वायरल, बाइक सवार युवकों ने मारा चाकू, घटना सीसीटीवी में हुई कैद, मुकदमा दर्ज। उन्नाव में दो पक्ष आए आमने सामने, जमकर पथराव, शोभा यात्रा के दौरान रंग गुलाल उड़ाने को लेकर हुआ था विवाद। अवैध संबंध में हुई थी शहनवाज की हत्या, दोस्त की पत्नी से नजदीकियां बढ़ा रहा था, पति ने तीन दोस्तों के साथ मिलकर मार डाला। अतीक के नौकर ने किए कई सनसनीखेज खुलासे, माफिया के ध्वस्त घर से बैग बरामद, आईफोन, रजिस्टर और असद का आधार कार्ड मिला। नई पुलिस चौकियों पर तैनात हुए चौकी इंचार्ज, बेहतर पुलिसिंग के लिए बनी 31 नई चौकियां, अब गोरखपुर में हुई 99 पुलिस चौकी। हरदोई में जमीन को लेकर दो पक्ष आए आमने सामने, जमकर हुई झड़प, खूब चले ईंट पत्थर, तीन जख्मी, सरकारी जमीन को कब्जाना चाहते थे। मेरठ की सेंट्रल मार्केट में व्यापारी की गाड़ी पर पथराव, बादल बचे व्यापारी और उनकी पत्नी, पुलिस अब आरोपियों की तलाश कर रही है। आगरा में तीन दिन तक शाहगंज के लोगों को नहीं मिलेगा पानी, टैंकर मंगवाने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी, इंटरकनेक्शन का होगा काम। मेरठ में सीए की पत्नी से बदमाशों ने छीनी चेन, मंदिर से घर लौटते समय बाइक सवार ने वारदात को अंजाम दिया है। संत कबीर नगर में प्रधान की चप्पल से पिटाई, मां बेटी ने बीच चौराहे पर पीटा, कपड़े भी फाड़े, पैसे के लेन देन का है ये पूरा मामला। सुल्तानपुर में मकान के अंदर चल रहा था सिक्स रैकेट, पीआरवी टीम ने घेराबंदी कर मारी रेड, चार महिला समेत पांच हिरासत में। पैसा दोगुना करने वाली गैंग के छह सदस्य गिरफ्तार, एक कार और आठ मोबाइल बरामद, झांसे में लेकर लोगों को संग करते थे ठगी का काम। बागपत में 12वीं की छात्र की गोली मारकर हत्या, घर से बुलाकर ले गए थे आरोपी, रजवहे किनारे मिला युवक का शव। सुल्तानपुर में उद्घाटन से पहले चोरों ने किया कांड, विधायक निधि से लगी 3 लाख की आठ फ्लड लाइट, खोल ले गए केस दर्ज। सड़क से लेकर खेत तक छुट्टा पशुओं का आतंक, गोआश्रय स्थल बनाने के बाद भी समस्या से नहीं मिल पाई निजात, फसलों को नुकसान। बिजनौर में चांदपुर में दो बाइक में आपस में भिड़ंत, पांच घायल, 8 साल की बच्ची सहित 4 हायर सेंटर रेफर, 3 की हालत गंभीर। मेरठ में बच्चों में हुई कहासुनी के बाद बवाल, दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, पत्थर चलाए, कई लोग हुए घायल। नोएडा में 4 दिन में कोरोना के केस हो रहे हैं डबल, 206 पहुंची सक्रिय मरीजों की संख्या, 24 घंटे में आए 47 नए केस। दबंगों ने किसान को गोली मारकर किया घायल, खेत से लौटते वक्त घात लगाकर किए कई राउंड फायर, दोनों में विवाद चल रहा था। रामपुर में आजम खान ने वीडियो जारी कर की अपील, नस्लों ने सुनहरे ख्वाब, यूनिवर्सिटी को टूटने मत देना। एनएसयूआई के छात्रों ने निकाला लोकतंत्र बचाओ शांति मार्च, पीएम मोदी के खिलाफ नारे लगाए, सड़क पर लेट गए, वाहनों को जाने से रोका।
ललितपुर में थ्रेशिंग मशीन की चपेट में आने से युवक की मौत। ससुराल वालों संग तालगांव में काम करने गया था। प्रतापगढ़ में युवक को अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली। परिजनों ने लालगंज ट्रामा सेंटर में कराए भर्ती। घटनास्थल पर पिस्टल हुआ बरामद। महोबा में तमंचे के साथ काटा बर्थडे केक। एक दूसरे को केक खिलाकर दे रहे जन्मदिन के बधाई। तीन युवक गिरफ्तार। मुरादाबाद में हादसे में मां बेटी की मौत। हाईवे पर बजरी से भरे डंपर ने मारी टक्कर। हादसे के बाद लगा जाम। कश्मीर वैष्णो से मिले सीएम धामी। हरिद्वार से वाराणसी तक वंदे भारत एक्सप्रेस और शताब्दी शुरू करने की उठाई मांग। नितिन गडकरी से मिले उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी। दिया मसूरी में टनल के शिलान्यास का न्योता। उत्तराखंड में भाजपा के स्थापना दिवस पर पीएम मोदी कार्यकर्ताओं से करेंगे वर्चुअल संवाद। होंगे कई कार्यक्रम। उत्तराखंड कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने फिर खोला मोर्चा। बोले जिन्हें राजनीति का काखा गगह नहीं पता वो हमारे प्रभारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिले सीएम धामी। सौंग बांध परियोजना के लिए केंद्र से मांगी 1774 करोड़ की राशि। उत्तराखंड कांग्रेस के विधायक तिलक राज बेहर ने दिखाए तेवर। कहा अगला चुनाव जीतना है तो दिल्ली जाकर गलती माने कांग्रेस नेता। यूकेपीएससी में जेई भर्ती पेपर लीक में शामिल 61 अभ्यर्थियों पर 5 साल का प्रतिबंध। आयोग ने परीक्षाओं से किया डिबार। यूकेपीएससी आयोग ने जेई के बाद अब एई भर्ती परीक्षा भी रद्द कर दी। पेपर लीक में शामिल 9 नकलचियों की हुई पुष्टि। उत्तराखंड में वन दरोगा भर्ती धांधली में परीक्षा केंद्र संचालक गिरफ्तार। अभ्यर्थियों से मोटी रकम लेकर कराई गई थी नकल। उत्तराखंड में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। प्रदेश में मिले 45 नए कोरोना संक्रमित मरीज। सक्रिय मामलों का आंकड़ा 96 पहुंचा। उत्तराखंड में आधी अधूरी चारधाम यात्रा की तैयारियां। डीएम ने सुविधाओं को उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। उत्तराखंड के एएसआरएचयू के कुलाधिपति बने डॉक्टर विजय धस्माना। योग कर्मसु कौशलम के साथ आगे बढ़ने का किया आवाहन। उत्तराखंड के हरिद्वार में ग्राम प्रधान ने चाकू की नोक पर किया दुष्कर्म। पीड़िता की शादी के बाद भी नहीं सुधरा। की घिनौनी करतूत। उत्तराखंड के सभी शहरों में बनेंगे सिटी पार्क। वाहनों की एंट्री होगी प्रतिबंधित। उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने दी जानकारी। उत्तराखंड के रामनगर में हनुमान जी की शोभा यात्रा में महिलाओं की चोटी काटने से मचा हड़कंप। वीडियो वायरल। आरोपी गिरफ्तार। नाटो का नया मेंबर बना फिनलैंड। अभी सी मिलिट्री अलायंस में 31 देश। रूस ने कहा यह हमारी सिक्योरिटी पर हमला है। रामनवमी पर हिंसा को लेकर मुस्लिम देशों के संगठन ने जताई चिंता। ओआईसी ने कहा भारत दोषियों पर कार्रवाई करे।
ढाका के सबसे बड़े बंगा बाजार में लगी भीषण आग, 2900 दुकानें चपेट में आई। आग बुझाने के लिए आर्मी, नेवी और एयरफोर्स काम पर लगी। अमेरिका ने किया आईएसआईएस कमांडर को मारने का दावा। सेना बोली ड्रोन स्ट्राइक में खालिद अल जुबैरी ढेर, यूरोप में आतंकी हमले का प्लान करता था। नासा ने चांद पर जाने वाली क्रू की घोषणा की है। पहली बार महिला और अश्वेत एस्ट्रोनॉट का चयन, अगले साल लॉन्च होगा आर्टेमिस 2 मिशन। पोकेमॉन थीम के साथ उड़ेंगी जापानी एयरलाइंस, 4 जून से घरेलू अंतर्राष्ट्रीय रूट पर उड़ान भरेगा विमान। पंजाब में मतदान में देरी पर ईसीपी के फैसले को शीर्ष कोर्ट ने किया रद्द, विरोध में आई शहबाज कैबिनेट। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का 31वां सदस्य बना फिनलैंड, रूस से लगी नाटो देश की सीमा हुई दोगुनी। पॉर्न स्टार से जुड़े केस में ट्रंप पर 34 आरोप, कोर्ट में 57 मिनट चली सुनवाई। पूर्व यूएस प्रेसिडेंट बोले अमेरिका नरक में जा रहा है। भारतीय छात्र का आरोप, लंदन यूनिवर्सिटी में चल रहा है भारत विरोधी अभियान, हिंदू होने के चलते बनाया निशाना। सेफ्टी में मारुति की कारें फेल, केटीएन को 2 और वैगनार को 1 स्टार, फॉक्स वैगन वर्ट्स और स्कोडा स्वालिया को 5 रेटिंग। BS6 फेज 2 के इफेक्ट से महंगी हुई गाड़ियां, हुंडई ने ट्यूशा की कीमतें 13,000 बढ़ाई है, 7,000 रुपए महंगी की वेन्यू। वॉलमार्ट में फिर होगी छटनी, 2,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाली गई वॉलमार्ट, एप्पल भी जल्द करेगा ले ऑफ। रिचर्ड ब्रांसन की रॉकेट कंपनी वर्जिन ऑर्बिट हुआ दिवालिया, मिशन फेल होने के बाद नहीं मिली फंडिंग, अब तक 33 सैटेलाइट को ऑर्बिट में पहुंचाया। वर्ल्ड बैंक ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटाया, फाइनेंशियल ईयर 2024 में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 6.3% रहने की उम्मीद। मुकेश अंबानी दुनिया के 9वें सबसे अमीर बिजनेसमैन, एशिया में नंबर 1, फोर्स ने दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट जारी की है। मार्च में 13.89% बड़ी गाड़ियों की बिक्री, मारुति सुजुकी ने सबसे ज्यादा 1.37 लाख कारें बेची, टू व्हीलर्स में हीरो मोटोकॉर्प टॉप पर है। वन प्लस नॉर्ड C3 लाइट भारत में लॉन्च, 5G स्मार्टफोन में 108 MP कैमरा और 16GB एक्सपेंडेबल रैम की कीमत 20,000 रुपए से शुरू। कम नहीं हो रही है पड़ोसी देश पाकिस्तान की मुश्किलें, पाकिस्तान रुपया डॉलर के मुकाबले सबसे निचले स्तर पर पहुंचा। IDBI बैंक ने शुरू किया अमृत महोत्सव FD स्कीम, निवेशकों को 7.65% तक मिलेगा ब्याज। CSR IPL और WTC फाइनल से बाहर, पीठ की सर्जरी कराएंगे, गुजरात ने विलियमसन की जगह दशुन शानका को शामिल किया है। IPL 16 नहीं खेलेंगे रजत पाटीदार, UK में ऑपरेशन कराएंगे, अभी NCA में रिहैब कर रहे हैं, फ्रेंचाइजी को फिट होने की उम्मीद थी। आकाश चोपड़ा कोरोना पॉजिटिव, खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी जानकारी, कमेंट्री नहीं कर पाएंगे।
आईपीएल में नहीं खेलेंगे शाकिब अल हसन, इंटरनेशनल क्रिकेट और व्यक्तिगत कारणों की वजह से बाहर, लिटन दास 10 अप्रैल से जुड़ेंगे। भारतीय अंपायर नितिन मेनन को मिली बड़ी जिम्मेदारी, ऐतिहासिक एशियन सीरीज में करेंगे अंपायरिंग। श्रीलंकाई कप्तान दसुन शनाक्या की आईपीएल में हुई एंट्री, गुजरात टाइटंस में केन विलियमसन को किया रिप्लेस। बीसीसीआई ने भारतीय गेंदबाजों को दिया एक नया फरमान, कहा आईपीएल के दौरान करें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की तैयारी। आईपीएल में गुजरात की दिल्ली पर लगातार दूसरी जीत, 6 विकेट से हराए सुदर्शन की मैच जिताऊ पारी, शमी राशिद ने लिए 3-3 विकेट। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हार से लिया सबक, बाबर आजम को फिर से मिली टीम की कप्तान। न्यूजीलैंड ने जीता दूसरा T20, न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 9 विकेट से हराया, सीरीज 1-1 से बराबर। मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए अजय देवगन की बेटी न्यासा, चेहरे पर मास्क, व्हाइट टॉप, प्रिंटेड पैंट में दिखे स्टाइलिश। बॉडी शेमिंग से जूझ चुकी हैं अनुपमा, फेम रूपाली गांगुली बोली प्रेगनेंसी के बाद वजन 83 किलो हो गया था, लोग कहते थे कितनी मोटी हो गई। शिल्पा शेट्टी को रिचर्ड केस मामले में बड़ी राहत मिली, कोर्ट ने दिए बरी करने के आदेश, 16 साल से चल रहा था केस। किसी का भाई किसी की जान का गाना ये तमन्ना आउट, स्पेशल कैमियो में लुकिंग लुंगी पहनकर रामचरण ने किया नाटू नाटू का हुक स्ट्रीम। शोभिता नागा के रिश्ते पर सामंथा ने नहीं दिया रिएक्शन, स्टेटमेंट को बताया फर्जी, बोली मैंने कुछ नहीं कहा। अजय देवगन के साथ फैन ने की बदतमीजी, बर्थडे सेलिब्रेशन के बीच शख्स ने जबरन हाथ पकड़ा, एक्टर ने गुस्से में दिया रिएक्शन। बीटीएस के बारे में नहीं जानती थी सिंगर अलका याग्निक, बोली जब बेटी से पूछा कि ये कौन है तो वो हैरान होकर हंसने लगी। सॉन्ग लॉन्च में पहुंचे गुरु रंधावा, मलाइका अरोड़ा ब्राउन ड्रेस में लगी, ग्लैमरस दोनों के बीच दिखे जोरदार केमिस्ट्री। उर्वशी रौतेला ने कराया ग्लैमरस फोटोशूट, पेस्टल गाउन में दिखी, शेयर किया वीडियो, फैंस बोले आप दुनिया में सबसे खूबसूरत। स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स का ट्रेलर रिलीज हुआ, स्पाइडरमैन को दिया पवित्र प्रभाकर का इंडियन अवतार। आज के लिए शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।